दोनों ही Xiaomi के फोन, लेकिन एक तरफ है MIUI एक्सपीरियंस और एक तरफ है यहाँ पर क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो मैंने एक वीडियो दिया था ना, वहां पे मैंने दिखाया था भाई Xiaomi के फोन में एक कस्टम UI एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, यानी कि क्लीन एंड्रॉयड के साथ, MIUI नहीं है इसके अंदर। वो सारा बात करते हैं और इसके अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया पूरा कई दिन से, जैसे इसको एक्सपीरियंस करने का कैसा रहा भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम देखने को मिली, क्या एप्लीकेशंस इसके अंदर चलती हैं, जैसे स्पेशली बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह क्या होती कई बार नहीं चलती, क्या ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिली, बैटरी वगैरह, जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, वारंटी क्या ख़राब हुई इससे, वो सब शेयर करूंगा और मेरा क्या सजेशन आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने नोटिस किया, चाहे कस्टम UI हो चाहे MIUI हो, सब्सक्राइब आप दोनों में ही बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो लोग नए अगर वो लोग करते हैं, वो लोग मतलब कमाल करते हैं, थैंक यू। तो इस प्रोसेस में 8-9 दिन लग चुके हैं, 8-9 दिन के बाद हाल कुछ ऐसा है भाई, यहाँ पे ना ऐसे जीमेल वगैरह भी नहीं दे रखा, बाकी क्रोम प्ले स्टोर, नहीं तो इस रोम में भाई ना के बराबर एप्लीकेशन थी, इतना क्लीन था। इस रोम का नाम है भाई पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस, जिसके अंदर 120Hz वगैरह मैंने चेक कर लिया, 60-120 सब काम कर रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस कर लिया जाए। तो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस रहा भाई ये हमारे लिए वीडियो बनाने में, हर्षित ने काफी हेल्प करी है। सो कस्टम रोम इंस्टॉल करने के लिए प्रोसेस क्या, हमें एक लैपटॉप चाहिए, एक फोन चाहिए जिसमें इंस्टॉल करना है, और हमें बूट लोडर को अनलॉक करना होता है। और बूट लोडर अनलॉक करना और फोन को रूट करना दोनों अलग चीजें होती हैं, ये चीज याद रखना आपको। रूट होता है भाई मतलब आपने सारी सिक्योरिटी तोड़ डाली फोन की, और उसके बाद आपको प्ले स्टोर या बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो आप नॉर्मल फोन में आप यूज ही नहीं कर सकते, वो सारा यूज करोगे आप। फोन की सारी रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं, उसे बोलते हैं रूट। बूट लोडर में एक तरीके से कस्टम रोम, मतलब जिसको नहीं समझ में आता, सिंपल भाषा में गए तो सॉफ्टवेयर, जैसे आप किसी के फोन में MIUI है, किसी के में Realme UI है, सबके सब एंड्रॉयड वाले ही है ना, बस उस पर एक स्किन लगी हुई है, वो एक सॉफ्टवेयर है, उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना यहाँ पे। तो इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करने वाले पता है, सबसे पहले काफी फेमस रोम इंस्टॉल करने जा रहे हैं पिक्सल एक्सपीरियंस, बस यहाँ वेबसाइट पे जाना है, यहाँ से पता लगेगा आपके फोन के लिए है कि नहीं। तो यहाँ पर है 10 प्रो के लिए, सेम ही है प्रो मैक्स प्लस एडिशन को, यहाँ पे स्टेबल एडिशन को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। मैं समझाने के लिए अलग फोन यूज कर रहा हूँ, बट आप सेम फोन में डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आप अलग से फोन लो। ये हमारे यहाँ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, हर्षित ने मीम क्यों डाउनलोड कर रखा पता नहीं, बहुत तेज हो रहे हो हर्षित आजकल तुम। बस उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा, हमने कर लिया है, उसके बाद इसके अंदर हमने ट्रांसफर कर लिया। मान लो ऐसे इंस्टॉल ना हो, कोई दिक्कत आ गई तो बैकअप रहेगा ना, तो हम जो पुराना MIUI है इसके अंदर, मतलब पहले से जो आता है उसका बैकअप इसमें बना लेंगे, नहीं तो आप फोन के अंदर इंटरनली डाउनलोड करके सीधा वहां से भी इंस्टॉल होने का ऑप्शन आएगा। ये वीडियो का बीच का पार्ट शूट कर रहा हूँ, वीडियो मतलब मैं बीच बीच में शूट करता रहूँगा जैसा एक्सपीरियंस रहेगा। ये इतने स्टेप इजी नहीं होते, कई चीज़ें फेल होती हैं, फिर दोबारा ट्राई करना पड़ता है, तो एक सिरदर्दी तो होती है शुरू में। ओ कैमरे की दुनिया बदल गई भाई, बहुत बुरी हो गई भाई फोटो। तो हम इसके अंदर गूगल कैमरा वगैरह देखते हैं जो भी इंस्टॉल करेंगे। अब ये दिखने में बहुत सिंपल लगा ना कि इंस्टॉल करना, इसके लिए इतना सिंपल भी नहीं है ये। यहाँ पे स्टेप तो बताऊंगा तो वीडियो पता नहीं कितनी लंबी चली जाएगी। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यूट्यूब पे आपको मैं चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ, चैनल नेम है TechnoBuzzNet। वैसे तो आप किसी की वीडियो कंसीडर कर लो यूट्यूब पे, ये बहुत ही पुरानी प्रथा है रूट करना, कस्टम रोम इंस्टॉल करना, लेकिन आज भी काफी लोग करते हैं, स्पेशली MIUI के फोन में, क्योंकि Xiaomi के UI को थोड़े बहुत आपको पता ही है, जिटर वगैरह देखने को मिलते हैं, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, इसीलिए काफी सारे लोग ना Xiaomi के फोन में कस्टम UI इंस्टॉल करते हैं। इवन कई बार कस्टम UI का एक्सपीरियंस ये महंगे से फोन Mi 11 Ultra से बेटर मिल जाता है। सो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिल सकता है अलग अलग रोम में, बताता हूँ कैसे। तो इनका तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए इनका मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये वीडियो देखना, इसमें बताया गया कैसे आपको बूट लोडर अनलॉक करने के लिए पहला स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद हमें TWRP रिकवरी इंस्टॉल करनी होती है, उसके लिए ये सेकंड वीडियो इनकी, आप ये देख लेना। काफी सारी वीडियो बनाते रहते हैं कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करें, कोई प्रॉब्लम आए तो अटक जाए, या फिर नहीं इंस्टॉल होता है कैसे होता है, तो ये चैनल आपको कंसिडर कर लेना चाहिए, तो फिर आपको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि समटाइम्स ही एक ही बार में इंस्टॉल हो जाता है, समटाइम्स बीच बीच में अटकता है, कई बार इंस्टॉल नहीं होता, इंटरनल में बार बार फेल हो रहा था, हमेशा फेल हो रहा था, तो मुझे जितना समझ में आया एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ करना ज़्यादा सेफ है। और अगर आपको करना है तो इस प्रोसेस में 3-4 सॉफ्टवेयर चाहिए बेसिक से, ठीक है, वो ऑफिशियल भी है और कुछ इधर उधर से भी मिलते हैं, वो सारे का लिंक मैं गूगल ड्राइव में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरीके से आप ना एंड्रॉयड 12 के साथ भी रोम मिल जाएगा, ऑक्सीजन OS वाला भी मिल जाएगा, ये सबसे स्टेबल रोम है, काफ़ी पॉपुलर है, इसका नाम है पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस, बिल्कुल मतलब काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड वाला फील देती है। बाकी हमारे फ़ोन की डिस्प्ले टूटी है भाई, तो इस पर थोड़ा ध्यान मत देना, वीडियो पे ध्यान देना, लेकिन आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले का ध्यान जरूर रखना, चाहे जो भी टेम्पर्ड ग्लास आप लगाते हो, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आपको ब्रांड में देखना है तो glazeding.com, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है, यहाँ पर आपको टेम्पर्ड ग्लास मिलेंगे, बैक केस कवर मिलेंगे, इनविजी टेम्पर ग्लास आता है इनकी तरफ से, और साथ में आता है रियल कर्व ग्लास। इनविजी सिंपल देखने में लगता है, रियल कर्व वाला साइड से कर्वी शेप में होता है,
और दो के दोनों बिना बबल वगैरह के झंझट के आराम से अप्लाई हो जाता है। इनविजी का प्राइस शुरू होता है 272 रुपीज से, और अगर आप कूपन ज्ञान 15 अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेक कर लेना। और अब बात करने वाला हूँ एक्सपीरियंस की, कैसा रहा या वारंटी गई कि बची। तो यहाँ पर भाई मैंने क्या किया, मैं सर्विस सेंटर तो नहीं लेके गया था इसको ठीक करवाने, जाना है इसके डिस्प्ले ठीक करवाने, लेकिन मैंने शाओमी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया। तो उनका कहना ये भाई नहीं मिलेगी। मैंने कहा ऐसे कैसे, पहले तो मिलती थी। कह रहे बस जी पहले मिलती थी ना, अभी नहीं मिलती, तो हम इसको अंडर वारंटी नहीं मानेंगे फ़ोन को, तो वारंटी चली जाएगी अगर आप ये हरकत करते हैं, जो हम लोगों ने की है। लेकिन बूट लोडर अनलॉक के बाद उसे आप लॉक भी कर सकते हो, उसके लिए भी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। एंड डैम श्योर वैसे इन्होंने पक्का बनाई होगी, ये तो बूट लोडर पे वीडियो बनाते हैं, चेक कर दे। तो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ भाई, अगर वीडियो देख रहे गूगल पेमेंट कर देना मेरी। ये ठीक है भाई, मुझे भी सच में नहीं याद है। गजब बेचती है हर्षित। तो डोंट वरी, काफी सारे लोगों ने ऐसी वीडियो बनाई हुई है, टेक्स्टा शाहरुख ने बनाई हुई है, और यहाँ पे टेक्नो बज नेट ने भी बनाई हुई है, तो आपको आसानी से वीडियो मिल जाएंगी। तो अगर आप लॉक करके उनके पास जाते हो तो आई एम डैम श्योर, मतलब ऐसा ऑफिशियल नहीं है बट उनको नहीं पता लगेगा। इन लोगों को कुछ नहीं पता लगता, सर्विस सेंटर वालों को, आधे लोगों को। वन प्लस वाले अपडेट करा के 5G बैंड बढ़वाते हैं। सैमसंग पे एक बार मैं गया था, उनसे नोक सिक्योरिटी के बारे में पूछा तो कह रहे नहीं वो अपडेट से अभी तक नहीं आया है। तो ये अमेरिका से नहीं आया, इनका भी हो ही जाएगा। आप लॉक करके जाओगे चांसेस है आपका अंडर वारंटी फोन माना जाएगा। कई दिन से इस फोन को यूज किया जा रहा था, इसीलिए वीडियो लेट आई। मैं चाहता था टेस्ट करके ही वीडियो बनाऊं। इस फोन के अंदर 120Hz परफेक्ट काम कर रहा है, और बैंकिंग के लिए हमने भाई फोन पे, गूगल पे, इवन पेटीएम हमने सारा टेस्ट कर लिया, परफेक्ट काम कर रहा है। प्राइम वीडियो HD के साथ सब चल रहा है, और उसके अलावा फोन के अंदर जितने फीचर्स होते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, डार्क मोड, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी ओके है, हमने वाईफाई टेस्ट किया है अपने वाला, 4G प्लस भी शो कर रहा है, LTE प्लस, बैटरी बढ़िया चल रही है। तो इन शॉर्ट कहीं प्रॉब्लम मिली, एक तो वारंटी नहीं मिलेगी जैसा मैंने स्कीम बताई, वो वाला अप्लाई कर सकते हो आप। सेकंड, जिसकी वजह से मैं कहूंगा एक नॉर्मल यूजर को दूर ही रहना चाहिए किसी भी कस्टम रोम से, वो है कैमरा। फोटोज की जो आउटपुट है ना, वो बढ़िया नहीं आती। इवन जो मतलब आप भूल जाओ अगर आप कैमरा लवर हो, क्योंकि डेवलपर लोग भाई कस्टम UI पे तो काम करते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन कैमरे पे भी काम करना एक मुश्किल काम तो होता है। देखो आप GCam इंस्टॉल तो कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं, GCam काम भी करता है, स्नैपड्रैगन 732G के साथ आराम से मिल भी जाएगा, लेकिन GCam ना हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट नहीं होता। कई बार इमेज प्रोसेस करने में टाइम लेता है, कुछ फोटोज बहुत अच्छी लेता है, कुछ फोटोज खराब कर देगा। जरूरी नहीं कि वो फोटो वीडियो सारे के सारे स्टॉक कैमरे का मुकाबला हमेशा GCam नहीं कर सकता ओवरऑल। तो आपको एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो भाई इन सब चीजों से थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि शुरू शुरू में सिरदर्दी का काम होता है, कई बार एक ही बार में लोगों का आसानी से हो जाता है। हमने कई बार इंटरनल फेल तो हमारा भी कई बार हुआ था। सारे कस्टम रोम स्टेबल नहीं होते जितना ये है, इसके अंदर सब कुछ मस्त काम कर रहा है। नॉर्मल से यूजर हो, दूर ही रहो, आपके लिए कैमरा वगैरह अगर मैटर करता है या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिर्फ ऐसे ही है, फन टू एक्सपीरियंस बोलना चाहूंगा। बट यस, बूट लोडर अनलॉक करना, कस्टम रोम इंस्टॉल करना अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस देता है, मुझे भी मिला। एज अ नॉर्मल यूजर मैं ये सब करता नहीं, बस वीडियो के लिए मैंने किया और मुझे अच्छा लगा। और अगर आपके मन में आ रहा है कि क्या इसके अपडेट्स आते हैं, वो भी डिपेंड करता है कौन सा कस्टम रोम इंस्टॉल किया आपने। जैसे ये पिक्सल रोम एक्सपीरियंस है ना, इसके अपडेट्स भी आते हैं। और हाँ, ये काम आप शाओमी के फ़ोन में, पोको के फ़ोन में, वन प्लस के फ़ोन में भी कर सकते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ सैमसंग वगैरह के फ़ोन में, ओप्पो, वीवो, यहाँ सब ना करने लग जाना जाके कि हाँ ऐसे कुछ करना है। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।